हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो फाइनली i20 लवर्स का वेट ओवर हो गया है। अब 2020 नवंबर में ये न्यू i20 लॉन्च होने वाली है। ये बेसिकली जुलाई में लॉन्च होने वाली थी पर कोरोना की वजह से डिले होके अब ये नवंबर में लॉन्च होगी। अब ये बाकी जैसे डीलर्स के पास है वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है ये गाड़ी, और न्यू i20 की अभी बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या एक्सटीरियर लुक्स मिलने वाले हैं आपकी न्यू i20 के, और कैसे क्या इंटीरियर है, क्या फीचर्स ऑफर करेगी न्यू i20, और क्या इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। तो जैसे आप इस गाड़ी को फ्रंट में देखेंगे, ये मेरे को स्टॉक यार्ड पे आई हुई है गाड़ी, तो फ्रंट में से ये पूरी रैप की हुई है। तो रैप में आपको इसका पता नहीं चल पाएगा, पर जैसे अदर कंट्रीज में जहाँ पे लॉन्च हो गई है वहाँ पे इसके आप देख पाएंगे, कुछ इस टाइप के आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको LED हेडलाइट्स मिल जाती है 3 चैम्बर के साथ, और DRLs भी आपको इसमें मिल जाते हैं। और एक अच्छी बात आ गई है, इसमें जो फॉग लाइट्स हैं वो आपको प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स मिल जाती है, जैसे कि और हुंडई गाड़ियों में आने लग गई है अभी। जैसे कि i10 नियोस है, ओरा है, ग्रिल डिजाइन देख रहे हैं रेडिएटर का, वो आपको सिंपली कैस्केडिंग डिजाइन मिलेगा। बीच में वही बड़ा सा एक हुंडई का लोगो, फ्रंट में से काफी ज्यादा स्लीक सा डिजाइन किया हुआ है। इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो साइड प्रोफाइल भी देखने में आपको काफी ज्यादा, मतलब इसकी लेंथ भी इंक्रीज कर दी गई है, और इसकी विड्थ भी, और इसका व्हील बेस भी इंक्रीज कर दिया गया है। इसमें वही आपके पुराने वाले जैसे अलॉय व्हील्स देखोगे तो फ्रंट में आपके डिस्क ब्रेक्स आएंगे और रियर में इसमें ड्रम ब्रेक्स आएंगे जैसे पुरानी i20 में आते थे। और इसमें आपको ड्यूअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे 5 स्पोक्स के साथ, सिल्वर एंड ब्लैक कलर के, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रहे हैं ये। अब इसके जो आप ये साइड प्रोफाइल में ये डोर हैंडल्स देख रहे हैं, आपको क्रोम फिनिश के साथ डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, और जो विंडो के नीचे साइड विंडो के नीचे आपको क्रोम का यूज मिलेगा। पीछे क्वार्टर ग्लास पैनल देख रहे हैं, क्रोम का यूज पूरा पीछे तक गया हुआ है, जो कि देखने में साइड प्रोफाइल भी काफी, जैसे पोलो नहीं आती स्लीक से डिजाइन की उस टाइप की कर दी है न्यू i20, जो कि देखने में काफी ज्यादा स्पोर्टी फील हो रही है साइड प्रोफाइल में से। साइड फेंडर में आपको नीचे वाले वेरियंट्स आएंगे उनमें इंडिकेटर आपको प्रोवाइड होंगे, बाकी जैसे ऊपर वाले वेरियंट लोगे उनमें आपको साइड ORBMs पे ही LED मीटर इंडिकेटर प्रोवाइड होंगे। ये भी एरोडायनामिकली डिजाइन में किए हुए हैं, जो कि डिजाइन देखने में इसका काफी ज्यादा अच्छा किया हुआ है। अब चलते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। तो बैक प्रोफाइल भी इसकी पूरी रैप की हुई है तो इतना पता नहीं चल पा रहा है, पर मैं जो अदर कंट्रीज में जो i20 है इसकी आपको पिक शो करके दिखा देता हूँ कि कैसी है। इस टाइप की देखने में लगेगी, जो इंडिया में भी आएगी वो भी आपको सेम डिजाइन में आएगी। LED मिट्स की टेल लाइट्स आएंगी, जैसे सोनेट में आ रखी है पूरी लाइट जुड़ी हुई आती है, तो इस न्यू i20 में भी LED में पूरी लाइट जुड़ी हुई आती है। तो बेसिकली क्या है, 20 में से ग्लो नहीं करेगी, मे बी बाकी क्या पता जैसे i20 लॉन्च होगी तब आपको पता चल पाएगा। और जो पीछे में आपको डिफोगर मिल जाएंगे, वाइपर मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएंगे, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको शार्क फिन का एंटीना भी इसमें प्रोवाइड हो जाएगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे जैसे इसके बम्पर में दो आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, पीछे में आपको कैमरे की प्लेसमेंट भी मिल जाएगी। अब इसके पीछे में देखेंगे जो इसका रियर व्हील है वहां पे आपको कोई भी डिस्क ब्रेक की प्रोवाइड नहीं है, सिर्फ फ्रंट में ही आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर भी बिल्कुल ऑल न्यू डिजाइन में कर दिया, काफी ज्यादा अच्छा और प्रीमियम स्पोर्टी फील होता है। मतलब जैसे पुरानी i20 देखोगे तो भी काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है अदर ब्रांड कंपनियों से, तो ये भी और ज़्यादा अच्छा कर दिया है इसका। जैसे आप ये एयर वेंट्स देखोगे तो ये XL6 में जैसे आते थे ना पूरे में जैसे डिज़ाइन दिया हुआ है, तो उसी टाइप का इसमें एयर वेंट में डिज़ाइन दिया हुआ है। और आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है। टॉप एंड वेरिएंट में इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ और ऑक्स तो बेसिकली नहीं मिलेगी, USB और मिरर लिंक, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब एक नया फीचर इसके अंदर ऐड कर दिया ब्लू लिंक का, जो कि वेन्यू में आता है, क्रेटा में आता है और वरना में भी आता है। जो इसका स्टेयरिंग व्हील आप देख रहे हैं आपको लेदर रैप मिल जाता है, और इसमें आपको ग्रैब्स भी मिल जाते हैं अच्छी तरीके से स्टेयरिंग व्हील को होल्ड करने के लिए। लेदर रैप और जो ग्रैब थी ये तो पुरानी i20 में भी आती थी, पर जो इसके प्रीमियमनेस और ज़्यादा इंक्रीज करती क्योंकि जो स्टेयरिंग का व्हील का डिज़ाइन है ना वो अच्छे से चेंज करके काफ़ी अच्छा कर दिया है। और मतलब ओवल शेप में इसका आपको हॉर्न पैड मिलेगा, बीच में हुंडई का लोगो, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इसका स्टीयरिंग व्हील देखने में। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं वो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और राइट साइड में आपको टैकोमीटर मिल जाता है, और बीच में MID मिल जाती है जिसमें आपको काफी सारे टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये शो कर देता है। जैसे कि इसके डिजिटली आपको आपको स्पीड भी शो करेगा और एनालॉग में भी इसकी स्पीड शो करता है। और एक और जो सबसे बेस्ट फीचर इसमें हैचबैक में ऐड कर दिया वो है इसका सनरूफ। जो इसका ब्लाइंड है वो आपको मैन्युअली हाथ से करना पड़ेगा, पर वो सनरूफ तो इसकी इलेक्ट्रिकली ओपन होगी वो तो आपको पता ही होगा। अब इसका इंटीरियर आप दोबारा से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर दिया है, और इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है। अब इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा 99 BHP, जो पुरानी i20 में आता था वो 1.4 लीटर का आता था, पर अब इस नई i20 में 1.5 लीटर का कर दिया है।
अब एक और इंजन आएगा, वो आएगा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा 82 bhp जो कि पुरानी i20 में भी आता था। और एक आएगा इसमें 1 लीटर का टर्बो इंजन जो कि आपका IMT के साथ भी आएगा, इंटेलिजेंस मैनुअल ट्रांसमिशन, जैसे कि आप वेन्यू में देख पा रहे होंगे या फिर सोनेट में भी ये अब ट्रांसमिशन आने लग गया है। तो अब इसके ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको तीन ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो मैनुअल मिलेगा जो कि आना ही था, एक आपको DCT मिलेगा ऑटोमेटिक में, और एक आपको मिलेगा IMT इंटेलिजेंस मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि आप हुंडई की वेन्यू और किया सोनेट में भी आपको देखने को मिलता है अब हाल ही में। अब इसकी वेरिएंट्स की बात कर लेते तो आपको वही वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे जैसी पुरानी i20 में आती थी, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स ड्यूअल टोन और एस्ता प्लस, ये सारे वेरिएंट्स आपको न्यू i20 में ही भी देखने को मिलेंगे। अब इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते तो जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो अंडर मतलब 11 लाख के अंडर ही रहने वाली है। बाकी जब गाड़ी लॉन्च होगी तो आपको अच्छा प्रॉपरली पता चल पाएगा क्या इसकी प्राइसिंग है। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि ये जब i20 लॉन्च हो तो इसकी आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और एज वेल एज इसका वॉक अराउंड आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। और मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको ये न्यू i20 कैसी लगी। टेक केयर एंड बाय बाय। Yeah.